uniform string of length 20 meter is suspended from the rigid support. A short wave pulse is introduced at its lowest end. It starts moving up the string. The time taken to reach the support is. ओके तो देखो यहाँ पे ये आपका रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से एक स्ट्रिंग लगा रखी है. तो देखो ये स्ट्रिंग के बारे में इन्होंने नहीं बोल रखा ये मासलेस स्ट्रिंग है. और मासलेस स्ट्रिंग नहीं है इसका मतलब अपन मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म मास है इसका पूरे का. और मान लेते हैं इसका मास क्या है, एम है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यानी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितना मास है, हर पॉइंट के ऊपर मास क्या सेम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यहाँ पे अगर टेंशन देखे तो अलग है, यहाँ टेंशन देखे अलग है, यहाँ टेंशन देखे अलग है. टेंशन अलग है तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ वी इज इक्वल टू टी बाई म्यू, राइट. अगर टेंशन अलग है तो कैसे बोल सकते हैं, टेंशन आपको पता होना चाहिए ना हर पॉइंट का. तो ये फॉर्मूला अपन नहीं लगा सकते. यहाँ पे स्पीड यानी सब जगह सेम नहीं होगी, स्पीड सब जगह सेम नहीं होगी. ओके तो यहाँ पे अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं. यानी अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे एक देखते हैं अपन, यहाँ पे एक एक्स डिस्टेंस के ऊपर, एक्स डिस्टेंस के ऊपर आप बोलो कि टेंशन कितना है. तो अपन कैसे निकालेंगे, एक्स डिस्टेंस के ऊपर टेंशन की बात करें तो टेंशन इज इक्वल टू आता है ये एम जी, राइट. ओके एम जी कौन सा, एक्स डिस्टेंस के ऊपर जो एम है, यानी ये वाले एम की बात कर रहा हूँ, इस लेंथ पे कितना एम है. तो यहाँ पे मेरे को म्यू पता है, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी मैं टोटल लेंथ बोल देता हूँ एल, ये तो कॉन्स्टेंट है ना. तो यहाँ पे एक्स के ऊपर मास कितना होगा, एम एक्स की बात करूँ तो ये एम बाई एल इंटू एक्स, ये यहाँ इतना मास, ये जो मास है वो ये है, राइट. ये जो मास है एम एक्स, यानी यहाँ तक बॉटम से लेके इस एक्स डिस्टेंस तक मास कितना एम बाई एल इंटू एक्स. ओके ये मेरे को मास मिल गया तो मैं टेंशन बता सकता हूँ ना, इस पॉइंट पे टेंशन कितना है, ये आ जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, या फिर मैं बोल सकता हूँ म्यू एक्स जी. ये मेरी टेंशन है, ठीक है. यहाँ पे अपने पास टेंशन है, टेंशन अपने पास मिल गया. तो अब आप अगर स्पीड की बात करो तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड होता है टी बाई म्यू, राइट. अब यहाँ पे टेंशन है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, अपन स्पीड निकाले तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपने पास स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास रूट ऑफ एक्स जी. ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्पीड है, ओके. और स्पीड को अपन लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, स्पीड को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ एक्स इंटू जी है, ओके. अब अगर यहाँ पे टाइम की बात करें डी टी इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूँ इसको नीचे लेके आ जाओ, यानी ये वन बाई रूट ऑफ एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स, ये अपने पास आ गया. अब यहाँ पे क्या बोला है कि ऊपर जाना है, यहाँ से आपको अपर एंड तक जाना है. तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जीरो से टी टाइम, और यहाँ पे अपन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जीरो से एल जा रहे हैं. इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये छोटे से डिस्टेंस के ऊपर, छोटा सा डिस्टेंस है उसके ऊपर अपन ने टेंशन निकाल लिया, उसका टाइम अपन डी टी बोल दिया. तो पूरे का टाइम क्या होगा, जीरो टू टी और जीरो टू टू एल में इंटीग्रेट कर देंगे, ओके. तो यहाँ पे टी को इंटीग्रेट करता हूँ तो ये तो टी आ जाएगा, और यहाँ पे आप वन बाय रूट एक्स को इंटीग्रेट करते हो तो वन बाय रूट जी तो आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, वन बाय रूट जी तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, ओके. इंटीग्रेट करेंगे रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, ये फिर मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, एक्स की पावर माइनस टू, और ये क्या है आपका डी एक्स है, राइट. एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, और ये यहाँ पे रूट जी है, ओके. तो ये आ जाएगा रूट जी, और एक्स की पावर क्या, एन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यही होता है. तो यहाँ पे एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन, ये क्या आ जाएगा आपका जीरो टू जीरो टू जीरो टू एल आ जाएगा, ओके. तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका वन बाई टू, तो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये टू ऊपर आ जाएगा, टू बाई रूट जी, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट एक्स आएगा, और वैल्यू पुट करेंगे अपन जीरो टू एल, ये लिमिट है आपकी. तो ये आ जाएगा टू रूट एल बाई रूट जी आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है टाइम, टाइम कितना लगेगा टू रूट एल बाई, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एल और जी की वैल्यू दे रखा है, यानी टू एल कितना है ट्वेंटी, जी कितना है टेन, तो ये अपने पास आ गया टू रूट टू, आंसर क्या आ गया टू रूट टू, यानी सी ऑप्शन सही होगा.